राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। सो नंद किशोर प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, सो ओवर टू महाराज, नाउ यू कैन टेक द ओम नमो हरे कृष्ण भगवते, महाराज। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वसुदेवाय, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वसुदेवाय। 21। Okay. We're reading from Srimad Bhagavatam. This 11th canto, chapter 18, text number 21. Vivikta Shena Sarano Madbhava Vimalashaya Atmanam Chintayat Ekam Abhidena Maya Muni. वो आपके वहां कोई हिंदी में पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ देता हूँ। आई विल ओके रीड प्रभु। ओके। विविक्त विविक्त अकेला, क्षेम सुरक्षित, शरण उसका निवास स्थान, मत मुझ में भाव निरंतर विचार से, विमल शुद्ध आशय चेतना, आत्मनम आत्मा के विषय में, चिंतयेत केंद्रित करके, एकम अकेला, अभेदेन अभिज्ञ अभिन्न, मया मुझसे मुनि 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 को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करे, अपने को मुझ में अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने आप को एकाग्र करे। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के साथ पांच मुख्य प्रकार के संबंधों में से किसी एक द्वारा भगवत भक्ति में लगता है, किसी प्रभु सम स्क्रीन पे आपके कुछ आ रहा है, आस्क फॉर असिस्टेंस समथिंग। जो जो व्यक्ति भगवान के साथ पांच प्रमुख प्रकार के संबंधों में से किसी द्वारा एक भगवत भक्ति में लगता है, वह शुद्ध वैष्णव कहलाता है। भगवत प्रेम में आगे बढ़ जाने के कारण शुद्ध भक्त बिना किसी भौतिक बाधा के भगवान के यश का कीर्तन करने में सक्षम रहता है। वह कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में रुचि नहीं रखता और गुणात्मक दृष्टि से अपने को भगवान से भिन्न नहीं मानता। जो व्यक्ति इतने पर भी नित्य आत्मा को आच्छादित करने वाली स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन के द्वारा आकृष्ट होता रहता है, वही अपने को भगवान से भिन्न देखता है। यह भ्रांति पदार्थ के साथ मिथ्या पहचान के कारण होती है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कल्मश से रहित इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करे। इसी तरह की गई भक्ति त्रुटिहीन मानी जाती है। जो व्यक्ति वैदिक साहित्यिक आदेशों की अवहेलना करता है, वह व्यर्थ ही मायामय कार्यों में अपनी इंद्रियों की गतिशीलता को नष्ट करता है। वह झूठे ही अपने को भगवान कृष्ण से भिन्न मानता है और इस तरह कल्पना करता है कि उसकी रुचि भगवान की रुचि से स्वतंत्र है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जीवन श्रेय प्राप्त कर पाना असंभव होता है, क्योंकि काल के बाधक प्रभाव से कर्म का क्षेत्र निरंतर बदलता रहता है। यदि भक्त भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई रुचि उत्पन्न करता है, तो भगवान से एकमात्र एकात्मकता
तथा उसका ध्यान विचलित होकर पलट जाता है। जब मन भगवान के चरण कमलों से विपत होता है तो भौतिक प्रकृति की द्वैतता मन में प्रधान हो उठती है और तब मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों पर आधारित कार्यक्रम चलाने लगता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने संबंध में स्थिर नहीं होता वह निडर या स्थिर नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण की शरण से वंचित रह जाता है। इसलिए इस श्लोक में हुए वर्णन के अनुसार मनुष्य को अपनी पहचान चेतना के शुद्ध कण के रूप में करनी चाहिए, शुद्ध कण, जो परम चेतना श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चक्षुर्मीलितानि येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Can you not bring your phone here? पञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we're hearing Lord Krishna give instructions to Uddhava on how to execute duties in different ashrams. तो हम सुन रहे हैं भगवान कृष्ण उद्धव को आदेश दे रहे हैं कि विभिन्न आश्रमों में कैसे अपने कर्तव्य करने चाहिए। So now we're hearing about someone renounced from the material world, how he should behave. तो अब हम सुन रहे हैं कोई व्यक्ति भौतिक जगत से अनासक्त त्याग किया हुआ है, उसको कैसे बर्ताव करना चाहिए। Mentioned first of all, he should dwell in a safe and solitary place. It means he should be away from the world, away from the hustle and bustle of the material world. तो पहले कहा गया है उसको एक सुरक्षित और एकांत जगह में वास करना चाहिए, इस भौतिक दुनिया में जो कुछ उत्पात चल रहा है उससे दूर रहना चाहिए। When we live in the city, crowded place, there's a lot of material passion and ignorance. It's very disturbing to the mind. जब हम शहर में रहते हैं तो वहां पर बहुत सारा रजोगुण और तमोगुण है और ये मन को विचलित करता है। But if one can find a safe and solitary place away from everything, then it's possible that one can control the fixed mind and simply think of the Lord. लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक सुरक्षित और एकांत जगह ढूंढ लेता है तो ये संभव है कि वो अपना मन भगवान में लगा सकता है। So the point is that generally people are absorbed in thought of the material body, the gross body and the subtle mind, and we think about making comfortable situations for our body and mind. तो पहली बात यह है कि लोगों का मन लगा हुआ है शरीर और मन को लेके हुए और वो एक सुरक्षित स्थिति पाना चाहते हैं जहां उनका मन और शरीर सुरक्षित रहे। Of course, the nature of the body and mind is such that it's never peaceful, will never be satisfied in whatever situation we're in. परंतु मन और शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो वो संतुष्ट नहीं होंगे दोनों। So as described in this statement, Lord Krishna is saying we should concentrate on the soul, and we should detach from the body and mind. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको हमारा ध्यान आत्मा में रखना चाहिए और शरीर और मन से अनासक्त होना चाहिए। Material world, everyone is simply engrossed in the body. Try to take care of the body. Try to make the body comfortable. They think that is success in life. भौतिक दुनिया में सब कोई लगा हुआ है कैसे वो शरीर को अच्छे से रख सके, शारीरिक रूप से संतुष्ट रह सके, और ऐसा करने से उन्हें लगता है ये जीवन की सफलता है।
Of course, whatever situation we come to, well, it's going to be temporary because we're dealing with the material world. We're dealing with the material energy. It's temporary, it's not eternal. So, whatever situation we find for ourselves, it will not last very long. परंतु बेशक बात यह है कि जो भी स्थिति हम अपने लिए यहाँ पर बनाएंगे, वो क्षणिक ही रहेगी, वो शाश्वत ही रहेगी, क्योंकि वो भौतिक शक्ति है। तो जो भी हम अपने लिए सुरक्षित स्थिति बनाएंगे, ये तो बात तय है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। We have to learn to look within, to find happiness within the self. Within the self, it means within the body is the eternal soul, and real happiness is found there and concentrate turning towards the soul. तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अंदर से खुशी ढूंढनी होगी। तो इस भौतिक शरीर के भीतर आत्मा है, और वास्तविक खुशी जो है वो आत्मा के स्तर पर है। Therefore, in self-realization, first of all, one has to understand who he is, understand one's own self as being different from the material body. इसलिए आत्म साक्षात्कार में हमको पहले समझना होगा कि हम कौन हैं, हम ये भौतिक शरीर से अलग हैं। But then we have to go on and find and contemplate our relationship with the Supreme Lord. और फिर हमें और आगे जाना है, और इस बात पर हमारा ध्यान रखना है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। And we know there are five different relationships, beginning with the stage of neutrality, and then coming to servitude, then friendship, then parenthood, then conjugal love. और जैसे कि हम जानते हैं, पांच प्रकारों से भगवान से हमारा संबंध रहता है। अब पहले शांत भाव रहता है, फिर दास्य भाव रहता है, और फिर इस प्रकार साख्य, और फिर वात्सल्य, और फिर माधुर्य। So a pure devotee will be absorbed in thought of his relationship with the Lord in one of these different rasas. Particularly, we're encouraged to contemplate the mode of being the servant. तो एक शुद्ध भक्त जो है, उसका मन लीन होगा भगवान के साथ संबंध में, इन पांचों रसों में से उस कोई रस में। परंतु आमतौर पे हमें कहा जाता है कि हम हमारा मन दास्य भाव में रखें। In every rasa, there is a mood of service to the Lord. Well, if one is a friend, one will also serve. If one is a parent, certainly they will serve. And in conjugal love, there is also service to the Lord. So the mood of all the devotees is to be the servant of the Lord. तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से हर एक जो रस है, चाहे वो दास्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, उसमें दास्य भावना प्रमुख रहती है। इसलिए एक भक्त का कर्तव्य है कि उस दास्य भावना में वो ध्यान रखे। Chaitanya Mahaprabhu says, Jiva Swarupahaya Nitya Krishna Das, that the living entities are all eternally servants of the Lord. This is our constitutional position. It never changes. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे स्वरूप होए कृष्णे नित्य दास, कि हमारा स्वरूप है, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और ये कभी बदलता नहीं है। So we want to develop that kind of loving relationship. Through service. That service, of course, begins in this Kali Yuga through the chanting of the holy name. तो अभी हम भगवान से हमारा जो संबंध है उसको पुनः जागृत करना है, भगवान की सेवा करके। और इस कलयुग में भगवान की सेवा कर होती है भगवान के नाम का जप करके। A devotee is not interested in just going away from the world, from everything, and just being peaceful himself. That is just only for his own liberation. A devotee is more concerned to help others to come to the liberated plane. एक भक्त की केवल इस बात में रुचि नहीं होती कि वो इस दुनिया से अलग हो और खुद भौतिक संसार से मुक्त हो, परंतु एक भक्त क्या करता है, उसकी रुचि होती है कि वो दूसरों को कैसे मुक्त करे और भगवान के प्रति लाए। The devotee knows that the more he gives Krishna consciousness to others, the more he gets the mercy himself. भक्त जानता है कि जितना ज्यादा वो कृष्ण भावनामृत दूसरों को देगा, उतनी कृपा उसको प्राप्त होती है।
So a devotee is not just thinking of his own liberation, but he wants to help others to come to the liberated तो platform. एक भक्त केवल अपने आप को मुक्त करने के बारे में नहीं सोच रहा है, वो चाहता है कि दूसरे भी मुक्ति की स्थिति पर आए। The devotee is not eager to go to a quiet, solitary place, but he's eager to go into the big cities where all the people are and try to preach Krishna consciousness. परंतु जो भक्त है वो उत्सुक रहता है शहरों में, जहां पर लोग बहुत विभिन्न कार्यों में उपयुक्त लगे हुए हैं, ऐसे शहरों में जाए और दूसरों को कृष्ण भावनामृत में ले आए। Just to deliver our own self, that is a very selfish mentality. A devotee won't want to go back to Godhead alone. He wanted to bring others. केवल खुद को वापस भगवत धाम ले जाना या केवल खुद को मुक्त करना, ये बहुत ही स्वार्थी प्रकार की भावना है। तो भक्त ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं अकेला भगवत धाम जाऊं, वो दूसरों को भी अपने साथ लेना लेके जाना चाहेगा। Of course, we have to purify ourselves. We have to be sure that we're not trying to enjoy the material energy, our own self. We have to give up any attachment to sense gratification. बेशक हमको पहले शुद्ध होना होगा, हमको ये बात तय हो जानी चाहिए कि हम खुद भौतिक शक्ति जो है भगवान की, उसका भोग हम नहीं कर रहे हैं, या हालांकि हम उस भौतिक शक्ति से भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। Prahlad Maharaj, in offering his prayers to Lord Nrsingadev, describes his situation. He said he is like a man with many wives because each of his senses are demanding attention. तो प्रहलाद महाराज जो उनकी प्रार्थना है भगवान नरसिम्हा देव के साथ, उसमें कहते हैं उनकी स्थिति ऐसे है कि जैसे एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, क्योंकि उनकी जो विभिन्न इंद्रियां हैं वो पत्नियों की तरह है और वो बहुत कुछ इच्छाएं कर रही हैं। Each wife is demanding their way. The tongue wants to enjoy. The tongue wants nice, tasty things to relish the taste in the tongue. The ear wants to hear the sweet sounds of the cinema songs. तो इस प्रकार से हर इंद्रिय पत्नी की तरह है और वो कुछ इच्छा कर रही है, जैसे कि जो जीवा है वो इच्छा कर रही है उसको बहुत अन्य पदार्थ खाने हैं, जो कान है उसको जो हमारा भौतिक सिनेमा है उसके गाने सुनने हैं। And this, we like to touch things which are very pleasing to this to us, which give us pleasure. It should be soft and pleasing. And the nose, we like to smell the very fragrant aromas. तो हम स्पर्श से भी विभिन्न चीजों को छूना चाहते हैं जो कोमल है, नरम है और हमको आनंद दे, और जो हमारा नाक है उससे भी हम सुगंधित वस्तुओं को सूंघना चाहते हैं। With the eyes, we like to see all forms of sense gratification, all things of beauty in the material sense. The eyes want to enjoy. Each of the senses are demanding service. They want that satisfaction, that pleasure of each of the individual senses. और आंखों से भी हम विभिन्न प्रकार के इंद्रिय भोग की वस्तुओं को देखना चाहते हैं। इस प्रकार से हर इंद्रिय जो है वो इंद्रिय भोग की वस्तुएं चाहती है। So it's just like a man who has many wives, and each of the wives want attention. If you don't give them attention, then it's a lot of trouble. तो जैसे एक पति है, एक व्यक्ति है, उसको बहुत सारी पत्नियां हैं और हर पत्नी को ध्यान चाहिए पति से, और अगर पति पत्नी को उस समय ध्यान नहीं दे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। If you don't keep the wife happy, then your life will be miserable. अगर आप आपकी पत्नी को खुश नहीं रखते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी। And so we have all these senses, and if we don't give them attention, then we become miserable. In this way, conditioned life, material world, nobody's happy. They're all suffering because the senses are uncontrolled and demanding attention. तो इसी प्रकार से हमको जो इतनी सारी इंद्रियां हैं, अगर हम इनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो हमें ये पीड़ित रखेंगी, और इस प्रकार से इस भौतिक जगत में कोई भी खुश नहीं है,
सब पीड़ा में है क्योंकि ये इंद्रियां उनको भोग के लिए सता रही हैं। But a devotee will use his senses simply for the pleasure of Krishna. He understands everything is meant for Krishna's service. परंतु एक भक्त जो है वो अपनी इंद्रियों का उपयोग करेगा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। वो समझता है कि सभी सब कुछ भगवान की सेवा के लिए। Rupa Goswami has given us a verse. Sarvapadi vinirmuktam tat paradvinan nirmalam Rishikesha Rishikena sevanam bhakti ruchate. That once we give up all upadis, all designations, we should give up that consciousness thinking, I am this, I am that, I have this position, I have that. That's the first thing in taking up devotional sense. तो श्री रूपा गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा दी है इस सर्वपादी विनिर्मुक्तम, कि हम हमको सारी उपाधियां छोड़नी है। मैं ये हूं, मैं वो हूँ, ये सारी उपाधियां हमको छोड़नी है, और ये पहला अंग है भक्ति में। We have to contemplate that our spiritual position, our ego, should be in proportion to the soul. The soul is very small, so our ego should also be of a similar size. तो हमारा जो अहंकार है वो शारीरिक नहीं, आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। आत्मा बहुत छोटी है, तो उसी प्रकार से हमारा अहंकार भी बहुत छोटा होना चाहिए। And the soul is 1/10,000th of the tip of the hair. So our ego should be in proportion to our spiritual dimension. तो जो आत्मा है वो जो बाल का जो अंतिम भाग है, जो नोक है बाल के, उसके 1/10,000वां हिस्सा है। तो उसी प्रकार से हमारा अहंकार जो भी है उतना ही छोटा होना चाहिए। But if we're thinking I'm the body, we're identifying with the body, we think of ourselves as being different from Krishna, then we've got problems. परंतु अगर हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं और अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग सोचते हैं तो फिर परेशानी है। We try to compete with Krishna. We think, well, I don't think it's all his. I should have something for myself. Why should I give everything for him? What materialistic people are competing with Krishna, and other people who are frustrated and trying to compete with Krishna, they try to become one with Krishna. तो भौतिक लोग जो हैं वो कृष्ण के विरुद्ध होने लगते हैं। वो सोचते हैं नहीं, सब कुछ कृष्णा को क्यों मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो भौतिक लोग हैं वो उनकी भावना कृष्णा के विरुद्ध होती है। So we have a oneness with Krishna, but at the same time we're different from Krishna. We're one in quality, different in quantity. This is very important to remember. तो हालांकि हम कृष्णा के साथ एकता भी है और उनसे अलग भी हैं। तो हमारे गुण, हम गुण में एक हैं परंतु जो गुणों की संख्या है उसमें अलग है। Just like The hand is a part of the body. So long as the hand is connected to the body, it's very useful. If the hand is cut off from the body, then it's useless. तो जिस प्रकार से जो हाथ है वो शरीर का एक हिस्सा है, और जब तक हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है वो काम का है, लेकिन जैसे ही हाथ शरीर से अलग होके कट जाता है वो कोई काम का नहीं है। We want to use everything carefully, as it's meant. It's meant to be used. It's Krishna's property. It's meant to be used for his service. हमको सब कुछ सावधानी से उपयोग करना है, सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा की सेवा के लिए उपयोग करना है। So the gross body, the senses, the subtle body, the mind, it's all Krishna's property, and we're meant to use it in his service. तो ये जो स्थूल शरीर है, जो मन है, जो इंद्रिया है, जो बुद्धि है, ये सब कृष्ण की है और इनको कृष्ण की सेवा में लगाना। We are all the prakriti. Krishna is the real Purusha. We are simply the energy of Krishna. We are meant for his service. हम सब प्रकृति हैं, केवल भगवान कृष्ण पुरुष हैं। हम सब भगवान की शक्ति हैं और हम बने हुए हैं उनकी सेवा के लिए।
So we have to hear these things again and again. We have to be reminded because we're conditioned souls. We're very forgetful. तो हमको ये सब बार बार सुनते रहना है, बार बार हमें ये याद दिलाना है अपने आप को, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और बद्ध जीव होने के कारण हम भूलते हैं. Lord Krishna is so kind to us that he comes himself to teach us, to remind us by speaking Bhagavad Gita. भगवान कृष्णा हम पर इतनी कृपा करते हैं, वो खुद आते हैं, हमको याद दिलाते हैं भगवत गीता बोलकर. He sends his pure devotees to teach us, to help us to remember him. वो अपने शुद्ध भक्त भेजते हैं जो हमें हमें सहायता करते हैं वापस ये सब बातें हमको याद दिलाने के लिए. He gives his holy name for all of us to chant, just to help us get out of our conditioned existence. भगवान अपना शुद्ध नाम देते हैं हम सबको जप करने के लिए, ताकि हम बद्ध जीवन से बाहर निकल सके. So Krishna consciousness is a process by which we can come over, by which we can overcome our conditioned existence. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत ये प्रक्रिया है जिससे हम बद्ध जीवन से बाहर निकल सकते हैं. And bring us back to our original pure consciousness and as a servant of Krishna. और वापस हमें हमारी शुद्ध चेतना में ले आए जो हम भगवान के दास हैं. We have to conquer the senses and the mind, and in this way we can become to the pure platform of Krishna consciousness. हमें जीतना है मन पे और इंद्रिय पे, इसी तरीके से हम जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत की स्थिति है उस पर आ सकते हैं. So in this Kali Yuga, the process for conquering the mind and the senses is to chant the holy name by chanting the Maha Mantra. तो कलयुग में जो तरीका है मन पे और इंद्रियों पे जीत पाने का, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना. इससे हम विजयी हो सकते हैं. And at the same time, we have to cultivate spiritual knowledge so that we can chant the holy name purely. और इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी विकसित करना है ताकि हम शुद्ध तरीके से भगवान के नाम का जप कर सकते हैं. After Lord Chaitanya had taken sannyas and he'd gone to Jagannath Puri, he met with Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya was impressed to see a young man who was already renounced from the material world. तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए उसके बाद वो पुरी गए, वहां उनकी मुलाकात हुई सर्वभौमा भट्टाचार्य से. और सर्वभौमा भट्टाचार्य बहुत आश्चर्य में थे एक नौजवान व्यक्ति को देखकर जिन्होंने इस भौतिक जगत का त्याग किया था. But Sarvabhauma Bhattacharya considered it was going to be very difficult for this young man to maintain the renounced order of life because the material energy is so powerful. परंतु सर्वभौमा भट्टाचार्य जी को ऐसा लगता था कि इस नौजवान के लिए ये जो त्याग का जीवन है इसको रख पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि भगवान की भौतिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है. So Sarvabhauma Bhattacharya decided he should teach him the Vedanta philosophy, and by giving him the knowledge of Vedanta, it would give him a strong philosophy to control his mind and senses. तो सर्वभौमा भट्टाचार्य ने ये निर्णय किया कि उन्हें उनको वेदांत का तत्व विचार बताना चाहिए, क्योंकि जब वो उन्हें वेदांत का तत्व विचार बताएंगे तो ऐसा करने से उनको मन और इंद्रिया पे काबू करने के लिए आसान होगा. And Chaitanya Mahaprabhu was obliged to sit and hear Sarvabhauma Bhattacharya for 7 days explaining Vedanta Sutra. और फिर इस कारण से चैतन्य महाप्रभु को सुनना पड़ा 7 दिन और 7 रातों के लिए वेदांत सूत्र सर्वभौमा भट्टाचार्य से. But then finally Chaitanya Mahaprabhu explained to Sarvabhauma Bhattacharya that he already understood Vedanta Sutra. और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौमा भट्टाचार्य को समझाया कि वो पहले ही वेदांत सूत्र समझते हैं. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Vedanta Krit Veda Vid Eva Chaham.
By all the Vedas, I am to be known. I am the author and I am the compiler of the Vedas. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदांत कृत वेद वेदे वचाहम, कि सब वेदों से मैं जाना जाना चाहियूं और मैं ही जो पूरा वेदांत ज्ञान है उसका रचना करने वाला मैं ही हूं और उसको जानने वाला मैं। So Chaitanya Mahaprabhu sat in the new Vedanta and he could explain it to Sarvabhauma Bhattacharya and he could explain the direct meaning of Vedanta, not the, just the, instead of just hearing the speculations of Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu gave the direct meaning. तो चैतन्य महाप्रभु वेदांत को जानते थे और जिस प्रकार से सार्वभौमा भट्टाचार्य समझा रहे थे वेदांत, वो नहीं, जो वास्तविक अर्थ है वेदांत तत्व का वो चैतन्य महाप्रभु जानते थे। जो सार्वभौमा भट्टाचार्य ऐसे ही मानसिक तरीके से कह रहे थे वो नहीं। But the point is that if you're going to renounce the world, you want to go away from the material world, you have to have strong spiritual knowledge. You have to be very fixed in spiritual understanding. तो हकीकत बात यह है कि अगर आप भौतिक दुनिया से त्याग करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए और इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। It's not that we can just give up the world and think that I will be happy in spiritual life and don't know anything. We have to constantly hear. We have to constantly purify the mind from toxic sense gratification. तो ऐसा संभव नहीं है कि हम सोचेंगे हाँ मैं भौतिक दुनिया को त्याग दूंगा और खुश रहूंगा और हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान जानते ही नहीं, ये संभव नहीं है। हमको बार बार ये सब सुनना होगा और इससे हमारी मन और चेतना को शुद्ध करना होगा। We have been in material life a very long time, so we're very conditioned, and it's not easy to overcome this tendency to want to enjoy sense gratification. तो हम भौतिक दुनिया में बहुत समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम बद्ध हो चुके हैं विभिन्न तरीकों से, और ये आसान नहीं है कि हम इस भौतिक दुनिया को भोग करें, ये प्रवृत्ति को छोड़ना। So giving up that taste for material enjoyment requires we have to develop the higher taste, the taste for spiritual life, the taste for hearing and chanting the glories of Lord Krishna. तो अगर हम इस भौतिक इंद्र तृप्ति को छोड़ पाए, इसके लिए हमको एक और ऊंचा रस का रसास्वादन करना पड़ेगा, ऊंचा रस विकसित करना पड़ेगा जो है भगवान की प्रेमा में भक्ति सेवा का रस। If we don't have that taste for cultivating spiritual knowledge, then certainly we can easily be drawn to a thinking of sense gratification. अगर हमारे पास वो रुचि नहीं है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करें, तो फिर हमारा मन वापस आकर्षित होगा इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए। So in this way, Lord Chaitanya, Lord Krishna is describing to Uddhava how one should execute the renounced mode of life. इस प्रकार से भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कैसे हमको त्याग भरा जीवन जीना चाहिए। Okay, any questions? ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, शिवेंद्र प्रभु, Anybody there? हरि बोल, परमानंद प्रभु, हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्ण महाराज, Yes, Hare Krishna. प्लीज एक्सेप्ट अवर हम्बल ऑब्लिगेशंस. थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास महाराज. महाराज, टिल द क्वेश्चन कम्स, टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ सीता माता एंड जानवी माता एंड आल्सो डिसअपीयरेंस डे ऑफ मधु पंडित. वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट देम महाराज? सीता एंड हु एल्स? मधु पंडित, मधु सीता माता एंड जानवी माता. Well, Madhu Pandit, first of all, he's a great personality who established the worship of Gopinath, the deity of Gopinath and Vrindavan. तो मधु पंडित जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने गोपीनाथ विग्रह की पूजा स्थापित की वृंदावन में।
We see when we go to Jaipur, where Gopinath is today worshipped, they have some of the clothing of Madhu Pandit. तो हम अगर जयपुर जाते हैं जहां पर गोपीनाथ जी की आज पूजा की जाती है वहां पर मधु पंडित जी के कुछ वस्त्र हैं अभी भी। They have the one jacket which he wore, which was all made of the Mahamantra. तो एक जैकेट मधु पंडित जी पहना करते थे जिसपे पूरा महामंत्र था वो भी वहां पर है। So, of course, the deity of Gopinath is the Prayojana deity worshipping Lord Krishna. Madan Mohan is the Abhidaya Gyan, and Govinda Ji is no, Madan Mohan is Sambandha, and Govinda Ji is Abhidaya, and Gopinath is Prayojana. तो गोपीनाथ प्रयोजन है, मदन मोहन संबंध है, मदन मोहन संबंध है, एंड गोविंदा गोविंदा इज अभिधेय। सो द डेटी ऑफ लॉर्ड गोपीनाथ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल डेटी एंड इट्स एस्टैब्लिश्ड इट्स गिवन टू दिस माधु पंडित दैट ही डिड दिस टास्क ही ब्रॉट गोविंद ब्रॉट गोपीनाथ इनटू द गौड़ीय वैष्णव लाइन Established the worship of Gopinath in Vrindavan. तो गोपीनाथ का जो विग्रह है बहुत ही सुंदर विग्रह है और ये सेवा मधु पंडित जी को दी गई थी, वो उस गौड़ीय वैष्णव के परंपरा में उनकी उपासना ले आए थे। And Sita, whose appearance day, is this the wife of Advaita Acharya or is this the consort of Lord Ramachandra? Which Sita is it? Which Sita जय here? गोविंद प्रभु, Concert of Sita. कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड रामा। Lord Rama's consort, Mother Sita. Well, Mother Sita, born from the earth, come to take part in the pastimes of Lord Ramachandra. तो माँ सीता का जन्म धरती से हुआ और भगवान की लीला में, रामचंद्र की लीला में भाग लेने आई। And of course, Ravan wanted very much to enjoy Sita, रावण चाहते थे सीता को भोग करने के लिए। but it is described that Ravan could only take the Maya Sita. He could not ever touch the real Sita, who is the consort of the Lord. परंतु वर्णन किया गया है कि रावण जो है वो माया सीता को ले गए, जो वास्तविक सीता है उसको छू नहीं सकते थे। So devotees were concerned. Lord Rama was concerned about the chastity of Mother Sita. So after he killed Ravan and rescued Sita, then he built a fire and he asked Mother Sita to enter into the fire. And she entered into the fire and the Maya Sita burned and the real Sita came out, carried by Agni, the god of fire. Mother Sita came out showing her chastity that she had never been touched by Lord Ram. तो भगवान राम चिंतित थे माँ सीता के पतिव्रता भावना को लेकर, तो उन्होंने अग्नि में उन्हें प्रवेश करने के लिए कहा और वहां पर हम देखते हैं कि माया सीता जल गई और जो वास्तविक सीता है वो बाहर आई थी, इस बात का सबूत देते हुए कि उनको अभी तक बिल्कुल पतिव्रता है। So Mother Sita was reunited with Lord Ramachandra and he took her back to Ayodhya. But Lord Ramachandra was always concerned, what do people think about his government? And he sent different people around the kingdom to hear what people were saying. तो इस प्रकार माँ सीता वहां से निकली अपना सबूत देते हुए, परंतु भगवान रामचंद्र हमेशा सोचते थे कि लोग उनके सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो अपने लोगों को भेजा करते थे बाहर के वो पता करके आए कि आम जनता क्या सोच रही है। So one of the spies came back one day and told how he had overheard a conversation between one barber
एंड हिज वाइफ। तो उनका भेजा हुआ एक दूत एक बार ये बात सुन के आया कि उसने एक बातचीत सुनी थी एक हजाम और उसके पत्नी के बीच में। The wife of this barber had been unchaste and she'd gone off with another man, but she came back to her husband after some time. तो इस नाई या हजाम की जो पत्नी है वो अपतिव्रता हुई थी, दूसरे पुरुष के साथ चली गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद आ गई थी। So at that time the barber spoke very harshly and he said, Lord Rama may take his wife back after she's been taken by another man, but I will not take you back. तो उस समय उसने बहुत कठोर वचन कहे कि भगवान राम अपनी पत्नी को वापस ले सकता है, हालांकि उसको दूसरा व्यक्ति ले गया था, परंतु मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा। So when Lord Ramachandra heard these words from his spy, he understood there was some people had still had some doubt about the chastity of Mother Sita. तो जब भगवान रामचंद्र ने उसके भेजे गए व्यक्ति से वचन सुने तो उनको लगा कि अभी भी कोई व्यक्ति हैं उनके राज्य में जिनको शंका है माँ सीता को लेकर। So he had Lakshman take Mother Sita to the ashram of Valmiki and keep her there, even though she at that time she was pregnant, she was carrying child in her womb, she was taken to the ashram of Valmiki and she had to stay there. तो उस समय इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, वो माँ सीता को ले गए वाल्मीकि के आश्रम में, हालांकि उस समय वो गर्भवती थी तो भी उनको वहां पर भेजा और वहां पर रहने लगी वो। And so in the ashram of Valmiki, she delivered the two sons of Lord Ramachandra, the twin boys, Love and Kush. And after she delivered them, then after some time, she re-entered the earth. तो वहां पर उन्होंने जन्म दिए भगवान रामचंद्र के दो बच्चों को जो जुड़वा बच्चे थे लव और कुश, और उनको जन्म देने के कुछ समय बाद वो वापस धरती में प्रवेश कर गई। So after Mother Sita disappeared from the world, Lord Ramachandra had to perform many sacrifices. And in the performance of a sacrifice, he should sit with his wife. So his wife was no longer present. So he had a deity made of Mother Sita. And Mother Sita in the deity form would sit beside Lord Ramachandra. And in this way, he would perform the yagyas. तो जब माँ सीता चली गई तब भगवान रामचंद्र बहुत विभिन्न प्रकार के यज्ञ में भाग लेते थे, परंतु क्योंकि उनकी पत्नी जा चुकी थी और पत्नी को बैठना चाहिए पति के साथ यज्ञ में, तो उन्होंने माँ सीता का विग्रह बनाया था और उस विग्रह को वो अपने साथ रखकर इन यज्ञों में भाग लिया करते थे। So Mother Sita is the most chaste of all ladies. Certainly no demon like Ravana could ever touch her. तो माँ सीता सभी स्त्रियों में से सबसे अधिक पतिव्रता है और कोई भी राक्षस रावण की तरह उन्हें छू नहीं सकता था। So we encourage all women follow the nice example of Mother Sita to be very chaste and devoted to their husband. तो हम सब स्त्रियों को प्रभावित करते हैं कि आप माँ सीता के उदाहरण से प्रेरणा लीजिए और अपने पतियों के प्रति समर्पित रहिए। Mother Sita is the goddess of fortune, eternal consort of Lord Ramachandra. हाँ, तो माँ सीता जो सौभाग्य है उनकी उनकी भगवान है, उनकी देवी है, और वो शाश्वत सहयोगी हैं भगवान की लीलाओं में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास महाराज, इट्स वंडरफुल क्लास। एंड दिस आई थिंक द प्रश्न आया है शायद चैट में। या प्रभु जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि प्रभु वन सीमा खन्ना माता जी इज आस्किंग हु इज प्रयोजन रिक्वेस्ट प्लीज कैन महाराज रिपीट प्रयोजन प्रयोजन डेटी गोपीनाथ यस प्रयोजन गोपीनाथ महाराज किसी अन्य भक्त के पास
यस प्रभु जी, यस महाराज। The three levels of knowledge which are given Prayojana. Prayojana is the stage of love of God, the goal of Sambandha, the knowledge of relationship with the Lord, and Abhideya, the process of executing that relationship, and Prayojana, the goal of executing that relationship. तो तीन चीजें शास्त्र में बताई गई हैं, संबंध हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, तो प्रयोजन के क्या प्रक्रिया करके हम वो संबंध जागृत करते हैं, और उस संबंध जागृत करने का अंत लक्ष्य क्या होना चाहिए। So the three presiding deities of Vrindavan, which are glorified by Krishna Das Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita, are Govinda Gopina Madan Mohan. तो वृंदावन के जो दो विग्रह हैं, गोपीनाथ और मदन मोहन, जिनका गुणगान श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं। So, Madan Mohan, the deity of Sambandha Gyan, Jayatam Surato Pangon Mama Manda Matirgati Matarvaswa Padambodo Sri Radha Madana Mohano. That we may be lame and cripple minded, but by the mercy of Madan Mohan, we can overcome the obstacles in the path of devotion. तो हम हमारे भक्ति में लंगड़े हो सकते हैं, गलत विचार हो सकते हैं, लेकिन मदन मोहन जी की कृपा से हमारे भक्तिमय जीवन में जो बाधा है, हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। And then we offer our respects to Govinda ji, Divyad Vrindaranya Kaupad Drumaja Srimad Ratnagara Simhasanasto Shri Shri Radha Srila Govinda Devo Pristalabhi Sevamano Smarami. Right, this is a prayer describing Abhidaya, how we worship Lord Govinda, Radha and Govinda. तो हम गोविंद देव जी की जो प्रार्थना है महाराज जी ने कही, वो भी हम गाते हैं, और इसमें वर्णन किया जा रहा है कि अभिदेय विग्रह है ये, और यहाँ पर हम राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। These verses are mentioned in the songs and the mantras which we recite, you know, the opening prayers. Yeah, the opening prayers. तो ये सब मंत्रों का वर्णन है जो हम शुरुआती प्रार्थना करते हैं उनमें। Radha Govinda, we say. Sriman Rasa Rasa. In a temple, in groves in Vrindavan, underneath a desire tree, Srila Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my respectful obeisances to them. उस प्रकार वृंदावन के कुंजों में जो भगवान है वो एक आदरणीय आसन में बैठे हुए हैं, और मैं उनको अपना प्रणाम करता हूँ। And then for Gopinath, we say, Sriman Rasa Rasaram Vi Vamsi Vatatata Stita Karsan Vanu Sumne Gopir Gopinatha Shri Estuna. Shri Gopinatha, who inaugurated the transcendental mellow of the transcendental mellow of the rasa dance. Shri Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the rasa dance,
stands on the shore in Vamshivat and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benediction. तो श्री शिला गोपीनाथ है जिनसे हमें जो मूल दिव्य रस है रास लीला का भगवान का, जिन्होंने हमको उसके बारे में बताया कि वहां पर वंशी वट जो है उसके तट पर खड़े हुए हैं भगवान, और जो सब गोपियां हैं उनको आकर्षित करते हैं अपने जो उनकी बांसुरी है उसके ध्वनि से, और ये सब भगवान और गोपियां मिलके अपना आशीर्वाद हमको दें। और कोई प्रश्न किसी का है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु प्रश्न तो अभी कोई चैट बॉक्स में भी नहीं दिख रहा। जय गोविंद प्रभु जी एंड परमानंद प्रभु जी है, मैं इनको परमानंद प्रभु जी को इनवाइट करना चाहूंगा कुछ दो सब महाराज के लिए बोलने के लिए। परमानंद प्रभु जी हरे कृष्ण। थैंक यू शिवानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज। प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल ऑफिसेंसेस। थैंक यू सो मच महाराज फॉर क्लास महाराज। हरे कृष्ण। नंद कृष्ण प्रभु थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जय गुण प्रभु। आपको कुछ कहना? जय गुण प्रभु जी। Yeah, once again, thank you, Maharaj. Sorry, Maharaj, when you asked Ichthita Devi, I was speaking, but I was on mute. Sorry, I was driving also. My apologies. So, Maharaj ji, humko humara Bhakti Vedanta mein A section sikhaya tha, this Varnashrama section, what we are seeing, this was taught to us by His Holiness Bhakti Vignavanashik Narasimha Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. नंद किशोर प्रभु जस्ट वन मिनट। हमारे यहाँ पे कुछ भक्तों के लिए प्रेयर चाहिए थे, सो वी वर जस्ट रिक्वेस्ट महाराज कि यू नो वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम। सो शिवान प्रभु जस्ट वन मिनट, वी विल टेक द अनाउंसमेंट बिकॉज महाराज विल लीव। वी विल जस्ट रिक्वेस्ट महाराज दैट वी नीड सम स्पेशल प्रेयर्स फॉर आवर रेगुलर डिवोटीज हियर। Yes, Maharaj, just bless them. Our Rasikan Charan Prabhu, the father of Narottam Krishna Prabhu, he need a special prayer. And our Govindram Gangwani Prabhuji, the father of Vanisha Mataji, they both need some special prayer, Mataji. Maharaj, if you can just bless them. Oh, okay, all right. Yes, we pray for them. May Krishna protect them, keep them under his lotus feet. Thank you, Lord. Thank you so much. So, Jai Govind Prabhu ji. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Yes, so aaiye hum Maharaj ko. There are some more prayers. Yes, Prabhu ji, I'll go on that. So, Maharaj ko dhanwad kar dein, fir Jai Govind Prabhu ji announcement kar lenge, fir last prayer karke hum jaise normal close karte hain. सो थैंक यू महाराज फॉर दिस वंडरफुल क्लास। आइए हम वैष्णव प्रणाम द्वारा महाराज का धन्यवाद करें। परमानंद कल 20 तारीख को है राइट? यस यस प्रभु जी यस। मंडे मंडे को महाराज को रिक्वेस्ट किया है हमने, महाराज फिर से भागवतम क्लास अगर दे सकते हैं। और प्रभु जी हमने वो शिवल प्रभु कह रहे थे ना कि फ्राइडे के दिन भी अगर महाराज आ सकते हैं हमारे पुराने हॉल में बर्दुबई में शाम को। हम लोग दोपहर को अलेन जाएंगे, अलेन से आएंगे प्रभु। कल शिवल्लभ प्रभु से बात हुआ था, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। ओके परफेक्ट प्रभु। सो आपका सेशन महाराज का फिर 9 o'clock से रखेंगे, ठीक है ना? आप सेकंड रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो अलेन से आते आते शायद थोड़ा लेट होना, तो आप दूसरा स्पीकर पहला रखेंगे तो ये कंफर्टेबल होगा प्रभु। जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। तो थैंक यू महाराज। आइए हम सभी वैष्णव जो है महाराज का वैष्णव प्रणाम के द्वारा धन्यवाद करें। थैंक यू प्रभु। थैंक यू कृष्ण। जय गुण प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है? भक्ति विज्ञान विनाशक स्वामी महाराज की जय।
अनाउंसमेंट तो है, परसों कल फ्राइडे फ्राइडे प्रोग्राम हमारा पुराना हॉल में होता है बर्दुबाई में, एंड टुमारो वी हैव टू स्पेशल स्पीकर, वन इज नरहरि प्रभु एंड ऑल्सो हिज फुल विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज. प्लीज डोंट मिस, प्लीज वहाँ पर आइए. और संडे कार्यक्रम में भी विल सी हु इज गोइंग टू गिव द क्लास. महाराज तो होंगे एंड उसके बारे में सूचना कल तक भेज देंगे. प्लीज डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एसोसिएटिंग विद महाराज. थैंक यू प्रभु, थैंक यू हरे कृष्ण. सो आज कार्यक्रम के अंतिम भाग पे जहाँ पे कुछ और भक्तों के प्रेयर्स के लिए आए हैं रिक्वेस्ट, रेखा माता जी अपने पुत्र के लिए, प्रतिमा कुलकर्णी माता जी अपनी पुत्री प्रांजलि के लिए, कृष्ण प्रिया जानवी गौर प्रिय देवीदासी माता जी और पुरुषोत्तम प्रभु जी के लिए प्रेयर्स के लिए, और पवन प्रभु जो है नरसिंह मर्सीफुल, तो इनके लिए आइए हम प्रेयर करते हैं और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे. जी, हरे यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु, सॉरी आप डिस्टर्ब कर रहा यस हूँ. नो हमारे प्रॉब्लम एक प्रभु, यस प्लीज. आनंदिनी गौर प्रिया माता जी हैं, तो उनके पिताजी अभी इज गोइंग अंडर सम स्मॉल सर्जरी, मिस्टर गोविंद आडवाणी. तो उनके लिए भी प्रेयर चाहिए थे, और हमारे स्वर्ण गोपिका माता जी उनके लिए, और श्याम सुंदर माता जी का नाम लिया आपने. यस, श्याम सुंदर माता जी, वल्लभी माता जी और सुनील शर्मा प्रभु जी. तो जी आइए हम जी सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. थैंक यू प्रभु जी, आपकी आज्ञा से कार्यक्रम को विराम दें. थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण.